राकेश त्रिपाठी जी, जब सरकारी अगर शोर करने लगे संसद के भीतर, तो फिर कैसे ये सेशन चलेंगे, सत्र चलेंगे? ये बुला ही क्यों जाते हैं? इनका मकसद आपको समझ में आ रहा है? देखिए विपिनेश, देश की संसद संवाद करने के लिए सबसे बड़ा मंच है, जहां देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की समस्याओं और उन पर समाधान की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बिल्कुल एक नियति सी बनती जा रही है, लगातार ऐसा हो रहा है, ये प्रवृत्ति सी बनती जा रही है कि इस सदन में केवल और केवल हंगामा हो रहा है, हंगामा करके ही सदन की कार्यवाही को समाप्त कर देना, ये एक प्रवृत्ति सी बनती जा रही है। ये प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए, देश के लिए घातक है, इस प्रवृत्ति को बंद करना चाहिए, क्योंकि देश बड़ी आकांक्षाओं के साथ और लाइव प्रसारण इसका हो रहा होता है, लोग इसको बड़ी रुचि के साथ देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि किन मुद्दों पर आकर के जाकर बहस कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बात, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी सत्ता पर है, लेकिन हम संवाद करने की बात कर रहे हैं ना। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जानबूझ करके सीक्वेंस में सीरियसली लगातार अगर वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिन बयानों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, जो बयान अपशब्दों की श्रेणी में जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम उनसे अगर माफी की अपेक्षा कर रहे हैं तो लोकतंत्र में ये करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष है वो, तो कोई केवल सामान्य सांसद नहीं है, और इस प्रकार की तथ्यात्मक चूक करना, बिना तथ्य बिना साक्ष्य के अपशब्दों की बातें करना, ये स्वीकार नहीं किया। राकेश त्रिपाठी जी, एक बयान संसद के बाहर दिया जाता है, आपने कल उसको पूरे उस बयान को लेकर हंगामा किया, उसे बाहर ही आप सुलझते ना, उस जनता के समय को क्यों बर्बाद कर दिया संसद के भीतर? आप ये भी तो देखिए, संसद के भीतर वो स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। अगर आप चलिए ये भी कहते हैं कि इंटेंशनली दिया गया, तो उसको बाहर निपटते, जनता का समय पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? देखिए मल्लिकार्जुन, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई सामान्य सांसद नहीं है, और संसद के सदस्य के द्वारा दिया गया बयान था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया बयान था, इसलिए उसको सहजता से सरलता से नहीं देखा जा सकता है। कोई सामान्य सांसद बयान देता तो हो सकता है शायद इस बात को इग्नोर किया जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसके अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बयान देते हैं तो संसद के सदन में उनको इस बात पर आकर के सफाई क्यों नहीं देनी चाहिए? अच्छा बताइए, 16 नए बिल सरकार को लाने थे और सर्वसम्मति से पास कराने थे, कितने बिल अब तक सेशन चलाए आप पास करा पाए हैं, उन पर चर्चा हो पाई है, जरा बताइए मुझे। देखिए विपिनेश जी, अभी आपके रिपोर्टर कुमार गौरव जी ने ही इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने जो अब तक बिल पास कराए हैं या सदन में जो सार्थक चर्चा की है, वो आप अगर तुलना करके देखेंगे यूपीए कार्यकाल से, तो ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा। हम जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, सत्ता पक्ष होने के नाते, हम इसको चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन न जाने क्यों कांग्रेस पार्टी इस संवाद में अब यकीन नहीं रखना चाहती है। इनके जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो सदन में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, जब भी सदन में रहते हैं तो गैर जिम्मेदार लापरवाह जैसे दिखाई पड़ते हैं, उनका संवाद में कभी यकीन नहीं होता है, न जाने कौन कौन से स्वांग तक आकर के वो सदन के भीतर रखने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं सदन की गरिमा को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी के सांसदों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हम फिर भी इसके बाद मानते हैं, अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और सदन में चर्चा हो, सदन में बिल पास हो, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कानून बनाने का जो काम संसद का है, विधायिका का जो है, हम उसको प्रतिपादित करें, हमारी जिम्मेदारी। आनंद माधव जी, जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।